सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट यूअर लैंगरांजियन इक्वेशन लैंगरजेस इक्वेशन लैंगरांजियन इक्वेशन आप कुछ भी बोल सकते हो तो वी हैव डिस्कस अबाउट अवर लैंगरांजेस इक्वेशन लैंगरांजेस इक्वेशन क्या होता है ये अपन ने देखा और उसके साथ ही अपन ने ये देखा कि लैंगरांजेस इक्वेशन जो है वो अपन डी एलम्बर्स प्रिंसिपल से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको मैंने क्या बताया था कि डी एलम्बर्स प्रिंसिपल जो है वो भी वन ऑफ द टाइप ऑफ यूअर वॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ यूअर मोशन का इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन राइट तो डीएलबे प्रिंसिपल का क्या बोलना होता है एफ माइनस एम ए टू जीरो या फिर अपन समेशन के फॉर्म में क्या होता है आई इक्वल्स टू वन टू एन एफ ऑफ आई माइनस पी डॉट ऑफ आई ऑफ आर आई डेल ऑफ आर आई इक्वल्स टू जीरो समझ में आए तो ये होता है अपना डीएलब प्रिंसिपल तो इसी से अपन ने क्या निकाला था लैंग्रांजियन इक्वेशन निकाला था और लैंग्रांजियन इक्वेशन में अपने को जो लैंगराज मिला था लैंग्रांजियन ऑफ द सिस्टम मिला था एल वो होता है आपका टी माइनस वी वे टी इज यूर काटिक एनर्जी और बी इज यूर पोटेंशियल एनर्जी और इसका जो आपका लैंग्रेज इक्वेशन है वह आपका क्या आया था डी बाई डी टी डी बाईड डेल्टी बाई डेल क्यू डॉट ऑफ के माइनस डेल्टी बाई डेल क्यूके इक्वल्स टू Zero. ये क्या के लिए आया था इक्वल्स टू जीरो कब आया था आपका कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ओके okay. तो ये इक्वल्स टू जीरो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए और जी डैश ऑफ के फॉर नॉन कंजर्वेटिव के लिए और जी डैश ऑफ के यहाँ पर क्या है जी डैश ऑफ के इज योर नथिंग बट जनरलाइज्ड फोर्स कौन सा है वो जनरलाइज्ड फोर्स ठीक है समझ में आया तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में सब कुछ देखा तो इसमें अपन ने क्या देखा ये जो आपको इक्वेशन मिला है दिस इक्वेशन इज नोन एज यूअर लैंग्रांजियन इक्वेशन बट इस इक्वेशन से अगर कोई बॉडी है सपोज अगर आपके पास सपोज टू भी एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी और ये जो है वो ए टू बी जा रहा है तो ए टू बी जाने के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है आप लैंगराजियन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और लैंग्रांजियन इक्वेशन जो है आपको हर एक पॉइंट के इंस्टेंट के बारे में बताता है बट बत उसके पाथ के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताता पाथ के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताता एट दिस पॉइंट उसका लैंग्रांजियन क्या है एट दिस पॉइंट उसका लैंग्रांजियन क्या है मीन्स इन शॉर्ट अगर सपोज टू बी एक आधा पार्टिकल है यहाँ पर ए और दूसरा पार्टिकल है मेरा यहाँ पर बी तो ए टू बी जाने के वक्त ए टू बी जाने के वक्त तो ये जो कुछ भी आपका पार्टिकल है वो सपोज अब यहाँ पर है तो एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो पार्टिकल है उसकी स्टेट क्या है उसका एक्सेलरेशन क्या है या उसकी वेलोसिटी क्या है इस स्टेट के बारे में मतलब इस पार्टिकल के इस जगह के स्टेट के बारे में सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर लैंग्रांजेस इक्वेशन किसके हेल्प से आपके लैंग्रांजन इक्वेशन की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो तो उसका फायदा क्या होता है उसका फायदा ये होता है कि अगर आपको पता है कि इस वक्त पर ये यहाँ पर पार्टिकल है इसका मोशन ऐसा है ये बिहेव ऐसे कर रहा है तो इस वजह से अपन फ्यूचर में वो कैसे बिहेव करेगा वो क्या कर सकते हैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट लैंगजियन इक्वेशन की एक ड्रॉबैक भी है ड्रॉबैक क्या है कि जब लैंग्रांजियन इक्वेशन की बात करें तो सपोज एक पार्टिकल ए टू बी में जा रहा है अब ए टू बी में जा रहा है यहाँ पर लैंगराजियन इक्वेशन वगैरह जो कुछ भी है वो अपन डायनामिक सिस्टम के लिए देख रहे हैं डायनामिक सिस्टम मीन्स मूवेबल ओके okay? तो यहाँ पर मूवमेंट की तो बात आने ही वाली है तो यहाँ पर अगर पार्टिकल जो है वो ए टू बी जा रहा है दिस पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी अगर मुझे एक पार्टिकल है वो यहाँ पर पहुंचा ठीक है फिर यहाँ पर पहुंचा फिर यहाँ पर पहुंचा फिर यहाँ पर पहुंचा तो ये जो है आपको इससे आपको क्या मिलेंगे चार लैंग्रांजियन इक्वेशन मिलेंगे आपको हर पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा अलग अलग लैंग्रांजियन इक्वेशन निकालना पड़ेगा और हाँ पॉसिबली जो है पाथ कोई भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से यहाँ से अगर यहाँ पर जाना है तो ये ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है ठीक है उसके बाद में आपका ये ब्लू वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है या फिर यहाँ पर आपका ये जो येल्लो पाथ है वो भी फॉलो कर सकता है तो कौन सा पाथ फॉलो किया गया और इस पाथ के दरम्यान उस पार्टिकल की मतलब थ्रो आउट द पाथ पूरे पाथ एट दैट एखादे पॉइंट पर नहीं थ्रो आउट द पाथ पूरे पाथ पर वो कैसे बिहेव करता है उसकी स्टेट क्या है उस पार्टिकल की स्टेट क्या है उस पार्टिकल के बारे में सब कुछ बताना थ्रो आउट द पाथ वो होता है अपना दैमल्टनियन इक्वेशन से किससे तो टॉपिक इज नथिंग बट योर हैमल्टोनियन इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है वो अपन फाइंड आउट भी करने वाले हैं कैसे आता है आपको ये एक चीज समझना है कि एक्शन इंट्रीगल क्या होता है क्या समझना है आपको एक्शन इंट्रीगल क्या होता है ठीक है अब देखो सपोज भी मैं एक एग्जाम्पल uh, लेती हूँ देखो अगर सपोज एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है मेरा बी और मैंने हर एक पॉइंट पर मतलब ये जो है ये इसका पाथ है अब मैंने इसमें क्या किया इस पार्टिकल यहाँ पर जब पहुंचा यहाँ पर जब पहुंचा यहाँ पर जब पहुंचा और यहाँ पर जब पहुंचा तो इन चारों के टाइम पे मैंने क्या किया लैंगराजियन निकाल कर मैंने इसके बारे में पता किया तो अगर मुझे पूरे थ्रो आउट द पाथ पार्थ ए टू पार्ट बी मतलब पाथ ए टू बी जो पार्टिकल जा रहा है तो थ्रो आउट द पाथ अगर पाथ अगर मुझे उसके बारे में पता करना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगी उस लैंग्रांजियन को इंटीग्रेट कर दूंगी तो फ्रॉम सपोज टू बी टी वन टाइम पर ए पार्टिकल निकला और टी टू टाइम पर पहुंचा तो ये क्या हो जाएगा T1 वन टू टी टू इंटीग्रेशन ऑफ एल डी ये हो जाएगा तो इसका मुझे क्या मिलेगा सिंपली इंटीग्रल मिलेगा ठीक है तो विद द हेल्प ऑफ हेमल्टोनियन प्रिंसिपल वी नो अबाउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट मतलब क्या कि अगर ये ए है और ये बी है तो दे आर इन्फाइनाइट पॉसिबल पाथ इन्फाइनाइट पॉसिबल पाथ ये ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है कोई भी पाथ जो है यहाँ पर ऐसा पाथ भी फॉलो कर सकता है ऐसा पाथ भी फॉलो कर सकता है कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिक पाथ जो पार्टिकल जो है वो फॉलो कर सकते हैं तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या करता है हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल ये बताता है कि इन नेचर वो कौन सा पाथ फॉलो किया जाएगा कौन से पाथ से ये जो पार्टिकल है कौन से पाथ से जाएगा ये पाथ से जाएगा वो पाथ से जाएगा कौन से पाथ से जाएगा ये फाइंड आउट करने का काम जो है वो क्या करता है आपका हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल करता है और ये जो है ये बताने का जब काम करोगे तो आपको ये जो इंटीग्रेशन होगा t1 टू t2 एल डी टी जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जब आपको इसकी मिनिमाइज वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी आपकी मिनिमाइज वैल्यू मिलेगी तब उसको क्या बोलोगे आप उसका एक्शन इंटीग्रल क्या बोलोगे उसका एक्शन इंटीग्रल जब आपको उस इंटीग्रेशन की मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी तब आपको उसको बोलोगे एक्शन इंट्रीगल जब उस आ, आपके इंटीग्रेशन की पार्टिकल टेक पार्टिकल क्या लेना चाहिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेना चाहिए तो लैंग्रांजियन इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज द एक्शन इंट्रीगल अब ये लैंग्रांजियन को अपन ने इंटीग्रेट कर दिया तो इसी को अपन क्या बोलेंगे आपका एक्शन इंट्रीगल समझ में आया अब देखो इन हैमिल्टोनियन से आपको ये जो है हैमिल्टोनियन से आपको ये बात तो पता है कि जो कुछ भी थ्रो आउट द सिस्टम है उसकी जो स्टेट है वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी बट वो हैमिल्टोनियन जो है उसके स्टेट के पार्टिकल्स के स्टेट के बारे में यहाँ पर नहीं बताएगा आपको किसके बारे में बताएगा कि पाथ के बारे में आपको सब कुछ बताएगा मेन से हाँ पर क्या बोला है कि जो सिस्टम है एक्शन विल बी कांस्टेंट रहेंगी सिस्टम में की एक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेंगी बट वो बताएगा किसके बारे में बताएगा कि कौन से पाथ के बारे में बता रहा है ओके okay, समझ में आया तो अब इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ वेरिएशन मतलब थोड़ा सा चेंज तो अपन ने क्या बोला था आई इक्वल्स टू टी वन टू टी टू एल डी टी तो मैंने अगर सपोज इसमें वेरिएशन ला लिया तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि मेरा क्या है डेल्टा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी वन टू टी टू डेल्टा एल डी टी इक्वल्स टू जीरो मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया थोड़ा सा क्या है वेरिएशन है मतलब थोड़ा सा वेरिएशन मैंने यहाँ पर ले लिया इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन लिया तो हैमिल्टन प्रिंसिपल को और बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हैमिल्टन प्रिंसिपल को और क्या बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन बोलो या फिर हेमल्टनियन प्रिंसिपल बोलो एक ही बात है ठीक है तो अब नेचर जो है हमेशा क्या चूज करता है कि जिसमें टाइम कम से कम लगे एफर्ट्स कम से कम लगे वो पाथ चूज करता है अब आपको भी कोई काम करना है तो आप भी क्या देखोगे आपको सपोज टू भी यहाँ से औरंगाबाद से जाना है पुणे को ओके औरंगाबाद से कहा जाना है आपको पुणे को अब औरंगाबाद से अगर आप पुणे जा रहे हो तो आप औरंगाबाद से पैठन पैठन से ऐसे पुणे जाओगे क्या या फिर औरंगाबाद से अहमदनगर अहमदनगर से पुणे जाओगे या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो पुणे जाने के लिए आपके पास इन्फाइनइट नंबर ऑफ उप ऑप्शन हो पुणे जाने के लिए लेकिन आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जो ऑप्शन जो है वो आपका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही ऑप्शन आप क्या करने वाले हो चूज करने वाले हो मीन्स आप क्या देखोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है यही आप चूज करोगे करोगे क्या करोगे शॉर्टेज पास आपको चूज करना पड़ेगा ठीक है तो तो यहाँ पर मुझे बोलना ये है कि हेमल्टोनियन प्रिंसिपल जो है वो ये भी बताता है कि नेचर जो है नेचर क्या करता है नेचर आपको ऐसा पाथ चूज करके देता है जो शॉर्टेस्ट टाइम में किया जाए जो क्या किया जाए शॉर्टेज टाइम में किया जाए अब मैं यहां पर बात कर रही हूं मोनोजेनिक सिस्टम की और मोनोजेनिक सिस्टम में ही अपन ये हेमल्टोनियन प्रिंसिपल देखेंगे और हेमल्टोनियन प्रिंसिपल का जो कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्म है वो अपन ड्राइव करेंगे ठीक है तो ये सब इरेज करती थी और डेरिवेशन पे जाते अब देखो अगर मैंने सपोज टू भी यहाँ पर क्या बोला सपोज मैंने बोल दिया कि आई हैव अ पार्टिकल विच इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी मेरे पास एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है मूव कर रहा है फ्रॉम माई ए टू बी तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया जहा पर दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई वाई एक्सिस दिस इज माई ए दिस इज माई बी और जो मेरा पार्टिकल है वो ए टू बी मूव कर रहा है अब देर आर इन्फाइनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि वो कहाँ कहा पर मूव कर सकता है ठीक है देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तो ये जो है वो आपका मूवमेंट हो गया ठीक है और जो आपका हैमिल्टन है वो क्या बोलेगा कि आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पता चलेगा आपको ठीक है अब यहाँ पर जो है सपोज मैंने बोल दिया दिस इज माई ओरिजिन ओ और ओ और ए का जो आपका पोजिशन वेक्टर है वो मैंने बोल दिया आर और ओ और बी का जो पोजिशन वेक्टर है वो मैंने बोल दिया आर और ये जो आपका डिफरेंस है वो हो गया मेरा आर तो इन वेरिएशन मेरा जो एक्शन इंटीग्रल है वो क्या हुआ था इन वेरिएशन डेल ऑफ आई डेल्टा आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ टी वन टू टी टू वेयर टी वन इज़ द टाइम वेयर पार्टिकल्स बिगिंग्स टू मूव और टी टू इज द टाइम जहाँ पर पार्टिकल एंड में आए ओके okay? फिर यहाँ पर क्या आया था डेल्टा एल डी टी ठीक है ये आया था तो यही इसको अगर आपने जीरो प्रूफ कर दिया तो ये हो जाएगा आपका हैमल्टनियन प्रिंसिपल यही क्या है आपका हेमल्टनियन प्रिंसिपल अब यहाँ पर जो है अपन बात करते हैं हमेशा मोनोजेनिक सिस्टम की किसके बारे में बात करते हैं आप मोनोजेनिक सिस्टम के अब मोनोजेनिक सिस्टम क्या होता है मोनोजेनिक सिस्टम मीन्स ऐसे सिस्टम जिसमें सारे के सारा जो फोर्स है कोई भी फोर्स है कोई भी टाइप का फोर्स है वो डिपेंड करता है फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन इज स्केलर पोटेंशियल फोर्स जो है वो जनरलाइज स्केलर पोटेंशियल पर डिपेंड होगा मीन्स इन शॉर्ट आपका फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगा मीन्स इन शॉर्ट आपका जो फोर्स है वो निगेटिव पोटेंशियल ऑफ़ वी है मीन्स ग्रेडियंट ऑफ वी है क्या है ग्रेडियंट ऑफ वी है ऐसे सिस्टम को आप बोलोगे मोनोजेनिक सिस्टम और एक बात मोनोजेनिक सिस्टम में जो कुछ भी पार्टिकल्स रहते हैं जो कुछ भी होता है वो तीनों पर भी डिपेंड करता है उसके कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करता है उसके साथ साथ उसके वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है और उसके साथ साथ उसके टाइम पर भी डिपेंड करता है ठीक है समझ में आया तो मोनोजेनिक सिस्टम के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दिस इज द बेसिक अब अपन जाएंगे मेन अपना जो फॉर्मूला ड्राइव करना है ये वाला उसके ऊपर कि ये कैसे आता

2 नहीं देते अभी यहाँ पर इक्वेशन नहीं देते नेक्स्ट इसको देते तो फिर ये मैंने जो फोर्स है उसकी वैल्यू रख दी इक्वेशन नंबर वन में तो मेरा क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एम आर आई का डबल डॉट डेल्टा इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर टू इसको क्या दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू ठीक है समझ में आया अब ये जो आपका डन होता है वो होता है माइनस निगेटिव पोटेंशियल क्या होता है डन की डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन है डन जितना भी होगा वो होगा निगेटिव पोटेंशियल क्या होगा निगेटिव पोटेंशियल तो वो मैंने लिख दिया और उसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री अब मुझे क्या करना है कंपेयर करना है कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने के बाद में मुझे यहाँ पर क्या मिला एम आर डबल डॉट डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ठीक है तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर फोर इसको मैंने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर फोर अब ये जो है डॉट उसको मैंने डॉट को निकाल कर डी बाई डी लिख दिया तो चलेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा डी बाई ऑफ एम डॉट डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ठीक है क्लियर हुई आपको ये बात अब यहाँ पर जो है मैं क्या करती हूं यहाँ पर जो है अपन एक कंसिड्रेशन करेंगे क्या कंसिड्रेशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर को करेगी अब देखो एम जो है मास जो है वो क्या है कॉमन है तो एम को यहाँ पर कुछ नहीं करेगी अपन क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी और उसको क्या करेंगे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इरेज कर लेती हूँ ये अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अब जो है अपन यहाँ पर लेंगे डी बाई डी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर तो अब यहाँ पर क्या लगेगा आपका दिस इज योर यू इनटू वी रूल लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का डबल डॉट डेल्टा आर प्लस आर डॉट इंटू डेल्टा आर का डॉट ठीक है ये समझ में आया अब देखो आर डॉट है मीन्स इसको मैं वेलोसिटी भी लिख सकती हूँ और डेल्टा आर डॉट है इसको मैं डेल्टा भी लिख सकती हूँ ठीक है और ये आर का डबल डॉट अभी का इसको ऐसे के ऐसे रखते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते तो आर का डबल डॉट डेल्टा ऑफ आर ये वैसे कि वैसा डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर क्लियर हुआ समझ में आया तो वी इंटू डेल्टा v जो है वो क्या होता है डेल्टा वन बाई टू वी स्क्वायर होता है ठीक है ये अपने को पता है तो बस आपको क्या करनी है इसमें वो वैल्यू पुट करनी है तो इसमें ये वैल्यू पुट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा d बाई डी टी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर ये वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर लो कैसे आती है मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली ओके okay? तो ये हो गया फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आर डबल डॉट डेल्टा आर प्लस डेल्टा हाफ वी स्क्वायर ठीक है मिला आपको ये अब अपन क्या करते हैं उसको एक साइड में लेके जाते हैं मीन्स ये जो है वो इसको ये साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी बाय डी टी आर डॉट डेल्टा आर माइनस डेल्टा हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर डॉट डबल डॉट डेल्टा ऑफ आर मिला आपको इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने फाइव किसका दे दिया मैंने फाइव ठीक है अब ये जो इक्वेशन मिला आपको वो किसकी वैल्यू मिली डेल्टा डबल डॉट डेल ऑफ आर की तो वो वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर फोर में तो इक्वेशन नंबर जो फोर था वो आपके पास क्या था देखो इक्वेशन नंबर फोर एम आर डबल डॉट डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी था ठीक है अब ये जो इक्वेशन फाइव जो मिला है उसको वैल्यू अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फोर में तो मेरे पास क्या हो जाएगा एम इंटू डी बाय डी टी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर माइनस डेल्टा हाफ वी स्क्वेर इंटू ये यहाँ पर किसकी वैल्यू थी इसकी वैल्यू थी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस डेल ऑफ वी अब ये जो एम है वो क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मैं ऊपर का इरेज करती हूँ यहाँ पर सो so, अब आपके पास क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर m जो है वो अंदर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m d बाई डी टी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर माइनस एम डेल्टा हाफ एम हाफ वी स्क्वे इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बस एम क्या कर दिया उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा देखो अब ये जो m है वो अगर कॉन्स्टेंट है तो मैं अंदर लिख सकती हूँ अगर मैंने m यहाँ पर अंदर लिख दिया तो ये जो है मैं एक स्टेप यहीं पे कम कर देती हूँ अगर मैंने m यहाँ पर लिख दिया तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपन डिनोट करते हैं टी से तो मैं वहां पर क्या लिख दूंगी टी तो ये क्या हो जाएगा एम डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर माइनस डेल्टा टीवल टू माइनस डेल्टा बी समझ में आया अब मैं क्या करती हूँ इस डेल्टा टी को लेके जाती हूं इधर तो मेरे पास अब क्या हो जाएगा फिर मेरे पास हो जाएगा एम डी बाय डी टी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा टी इधर माइनस है तो इधर आके प्लस तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी तो डेल्टा ले लो कॉमन क्या हो जाएगा टी माइनस वी तो ये क्या हो जाएगा एम डी बाय डी टी आर डॉट डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा टी माइनस टी माइनस वी होता है T minus v होता है अपना एल एल क्या है आपका पिछले बार किया था, तब देखा था कि नहीं तो दिस एल इज लैंग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एम डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर इक्वल्स टू डेल्टा एल समझ में आया लिख सकती हूँ ठीक है अब मैं कर देती हूँ इसको इंटीग्रेट तो बाय इंटीग्रेटिंग मेरे पास यहाँ पर लग जाएगा इंटीग्रेशन ओके और यहाँ पर अगर मेरा इंटीग्रेशन लग गया तो मैं क्या कर दूंगी इसको इंटीग्रेशन लगाने के पहले यहाँ पर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रही हूँ ये जो डी टी है वो मैं लेके जा रही हूँ इधर तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एम डी आर डॉट डेल्टा आर इक्वल्स टू डेल्टा एल डी टी ठीक है अब मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेट तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया विद T1 to T2 limits में कितने में तो ये, D और ये क्या integration जाएगा? Cancel तो मेरे पास क्या मिलेगा एम आर डॉट डेल्टा आर इक्वल्स टू t आ, अपना इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू डेल्टा एल डी टी डेल्टा एल डी टी अब यहाँ पर जो है ये भले ही यहाँ पर इंटीग्रेशन कट गया होगा तो भी यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी उसकी लिमिट लगानी पड़ेगी तो मैं ये सब इरेज कर लिमिट लगा के बताती हूँ आपको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। so have, अपने पास जो है वो इंटीग्रेशन था कि t1 वन टू टी इंटीग्रेशन था एम डी ऑफ आर डॉट डेल्टा आर इक्वल्स टू समीग्रेशन टी वन टू टी टू डेल्टा एल डी टी ठीक है ये आपके पास इंटीग्रेशन था अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है तो अब इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या होना पड़ेगा आपको पता है कि यहाँ पर डी है यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो वो कैंसिल होगा बट ये जो लिमिट्स है उसका कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होगा आपको लिमिट लगानी पड़ेगी फिर आप क्या लिख सकते हो एम आर डॉट डेल्टा आर फ्रॉम लिमिट टी वन टू टी टू ठीक है इक्वल्स टू तो आपके पास ये जो है वो ऐसे के वैसा हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ टी वन टू टी टू डेल्टा एल डी टी समझ में आए इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर देखो अब टी वन और टी टू अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो देखो टी वन जो है एट पॉइंट ए है टी टू जो है एट पॉइंट बी है तो जब स्टार्ट हुआ तब टाइम जीरो था जब एंड हुआ तब जीरो था तो टी वन इक्वल्स टू जीरो टी टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली आपको ये जो है वो क्या मिलने वाला है जीरो मिलने वाला है ठीक है मतलब यहाँ पर आपको यही मिलेगा ना कि एम आर डॉट डेल्टा आर टी टू माइनस डेल्टा आर टी वन ठीक है और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा टी वन टी टू डेल्टा एल डी टी अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला डेल्टा आर क्या है आपका जो कुछ भी पाथ है वो है तो ये डेल्टा आर है ये पाथ है तो ये यहाँ पर जो है टी वन और यहाँ पर था है टी टू तो डेल्टा आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एंड हो रहा है तो स्टार्ट होते वक्त टी वन क्या होगा जीरो होगा और एंड होने के बाद में टी टू क्या होगा जीरो होगा तो ये अल्टीमेटली क्या होने वाला है जीरो होने वाला है तो ये जीरो हुआ तो इससे मल्टीप्लाई किया तो जीरो मिला तो आपको हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू टी वन टू टी टू इंटीग्रेशन डेल्टा एल डी टी मीन्स आपको जो है आपका हेमल्टोनियन प्रिंसिपल मिल गया जो कि है आपका टी वन टू टी टू डेल्टा एल डी टी इक्वल्स टू जीरो तो दिस इज योर हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल एक सिंपल सा प्रिंसिपल था जो अपन ने फाइंड आउट किया और हेमल्टोनियन प्रिंसिपल जो है क्या बताता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा होगा कौन सा पाथ वो चूज करेगा वो आपको बताता है ठीक है यहाँ पर देखो मैं आपको लिख कर बता देती हूँ कि उसकी डेफिनेशन uh, जो है हैमिल्टोनियन का स्टेटमेंट जो है वो ये होगा आपके पास हैमल्टोनियन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर अ कंजर्वेटिव होलोनॉमिक सिस्टम कौन से सिस्टम होलोनॉमिक सिस्टम इट्स मोशन फ्रॉम टाइम टी वन टू टी टू इज सच दैट द लाइन इंट्रीगल जो कुछ भी आपका लाइन इंट्रीगल है ये वो होगा आपका जीरो ये जो आपका लाइन इंटीग्रल है वो क्या होगा आपका जीरो और या फिर आप बोल सकते हो हैज अ स्टेशनरी वैल्यू फ्रॉम द करेक्ट पाथ ऑफ द मोशन और वो किसकी वैल्यू देगा जो करेक्ट पाथ ऑफ मोशन मिलेगा उसी की वैल्यू आपको देगा द द द एक्शन इंटीग्रल इज फॉर एक्चुअल पाथ एंड हैज मिनिमम वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जब भी होती है तब आपका इंटीग्रेशन जीरो आता है इसी वजह से भी आपका जो है यहाँ पर जीरो आपको मिला तो दिस इज ऑल अबाउट द देमल्टनियन प्रिंसिपल सो दिस इज ऑल अबाउट योर हैमल्टनियन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल क्या होता है लैंग्रांजियन इक्वेशन कैसे uh, उसका इंटीग्रेशन लेंगे अपन uh, कैसे क्या करेंगे ये सब अपन ने देखा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन क्या करने वाले है? हैं हेमल्टोनियन से क्या निकालने वाले हैं नैंग्रांजियन इक्वेशन निकालने वाले तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में